नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यदवंशी एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे विभिन्न देशों के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास के बारे में। तो जो इन युद्ध अभ्यासों में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही रेलवे डी ग्रुप में, आगे आने वाली परीक्षा RPF आदि में ज़रूर पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इन युद्ध अभ्यासों में से LP में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें और लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम आगे ऐसे ही अनेक ट्रिक्स आपके लिए बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। तो इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में है। ठीक है, इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष बड़ा होता है, तो ब्रिटेन ही बड़ा देश है, तो ऐसे याद कर सकते हैं भारत और ब्रिटेन। ठीक है, इंद्र तो भारत और रूस, तो इंद्र जब बरसात बहुत अधिक होती है तो अपन क्या कहते हैं, इंद्र मतलब बरसात का देवता है। तो अब इंद्र रुक जा, तो रूस को आप रुक से रिलेट करेंगे यहाँ पर। तो इंद्र को आप भारत और रूस के बीच होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद कर सकते हैं। सिम्बेक्स, तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर से के मध्य होता है। तो सिम्बेक्स में अपन सिम को आप सिंगापुर से रिलेट करेंगे, तो यहाँ पर सिम्बेक्स का सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच होगा। अग्नियोद्धा, तो अग्नियोद्धा यह भी भारत और सिंगापुर के बीच में है। खंजर को हम यहाँ भारत और किर्गिस्तान के मध्य है, तो किर्गिस्तान भी एक थोड़ा अटपटा सा नेम है, तो खंजर भी इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। गरुड़ शक्ति और गरुड़, यहाँ पर दोस्तों देखना बहुत ही क्लोजली सिस्टम है। यहाँ पर गरुड़ शक्ति और गरुड़, ये दो युद्धाभ्यास हैं और दोनों अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, इनका अच्छी तरह देख लेना कहीं, क्योंकि दोनों में एक में गरुड़ शक्ति है, एक में गरुड़ है। तो गरुड़ शक्ति है ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य है, जबकि जो गरुड़ है वो भारत और फ्रांस के बीच में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हरिमाओ शक्ति, ये हरिमाओ शक्ति है दोस्तों दो बार LP में पूछा गया है। तो हरिमाओ शक्ति भारत और मलेशिया। ठीक है, अजय वॉरियर्स भारत और UK, तो UK का बहुत बड़ा देश है दोस्तों, तो इसका ऐसे याद रखने कि अजय है। ठीक है, इसके कभी इसको जीता नहीं गया है। ठीक है, तो UK को अजय से ऐसे रिलेट कर सकते हैं। हैंड टू हैंड, तो हैंड टू हैंड भारत और चीन, तो भारत और चीन के आपको पता है दोस्तों सीमा पर विवाद होता रहता है, तो भारत इसको हेड टू हेड लेता है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मैत्री, भारत और थाईलैंड, तो थाईलैंड यहाँ दोस्तों बहुत छोटा देश है, ये है मैत्रीपूर्ण व्यवहार लगभग सभी देशों के साथ करता है, तो यहाँ पर इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच में, तो भारत का सबसे अच्छा मित्र जो है वो श्रीलंका ही है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं मित्र शक्ति से। सेल्वेक्स और कोप, ये भारत और अमेरिका के बीच में है। और वज्र प्रहार, तो अमेरिका वज्र अभी पाकिस्तान के ऊपर विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों के लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है अभी, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को कमी नहीं ला रहा है, तो इन्होंने इसकी जो आर्थिक मदद है वो भी रोक दी है। तो वज्र मतलब बहुत ही कठोर व्यवहार करना, तो ये अमेरिका ही कर सकता है, क्योंकि बड़ा देश अमेरिका ही है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। रेड फ्लैग, तो रेड फ्लैग मतलब ये जब अमेरिका वज्र प्रहार मतलब स्ट्रिक्ट इसका स्वभाव हो गया, तो ये क्या है, ये किसी के लिए क्या है, रेड सिग्नल है, तो रेड फ्लैग को यहाँ पर रेड सिग्नल से रिलेट कर सकते हैं, तो भारत और अमेरिका। ठीक है, शक्ति और वरुण, तो शक्ति और वरुण भारत और फ्रांस के बीच हो गया। डेजर्ट ईगल, तो डेजर्ट ईगल यहाँ पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात में होगा, तो UAE में आपको पता है दोस्तों वहाँ पर डेजर्ट ज़्यादा है, रेगिस्तान ज़्यादा है, तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। सूर्य किरण जाइमेक्स, ये किसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच में। ये भी दोस्तों LP में दो बार पूछा गया है, ये भी शायद दो बार नहीं एक बार पूछा गया है सूर्य किरण का, तो ये किस, सूर्य किरण और जाइमेक्स किसके, भारत और नेपाल के मध्य हो गया। मालाबार है भारत और अमेरिका और जापान, ये याद रखना दोस्तों, ये तीन देशों के मध्य है।
भारत, अमेरिका और जापान। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये विभिन्न परीक्षा में ये ITBP एड कॉन्स्टेबल के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है ये। और अंतिम है आपका संप्रीति भारत बांग्लादेश, तो संप्रीति है किसमें, भारत और बांग्लादेश के मध्य है। तो आप दोस्तों ये हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही फनी ट्रिक्स देने लगने के लिए लाइक कीजिए। थैंक यू। और दोस्तों अब आपके लिए हम नया एक रोज़ करंट अफेयर का वो लेके आएंगे। रोज़ में आपको 20 क्वेश्चन करंट अफेयर और जनरल साइंस के अभी डालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।